रही है और पानी देखिए कितनी तेजी से बह रहा है। और ये सामने का व्यू, हर की पौड़ी सामने वो घंटा घर आप देख ही सकते हैं। हर की पौड़ी वाली गंगा, अभी अभी हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी है। भीम घोड़ा ये ब्रिज है, ये देखिए, ये हर की पौड़ी के लिए यहाँ से काटी जाती है गंगा। और सामने जो मेन गंगा है वो सामने से बहती है, ये देखिए पानी। यहाँ पे फाटक भी खोले हुए हैं इनके, और पानी काफी तेजी से बह रहा है। और मेन गंगा वो है सामने, ये कितना बड़ा ब्रिज है आप ये देख सकते हैं। तो सामने हो रही है लाइटिंग की व्यवस्था भी हो चुकी है बस। और ये फ्लैग अपना देश का, अब बस फटाफट चलते हैं आगे की तरफ। और ये देखिए पानी की काफी ज्यादा शोर हो रहा है यहाँ पे, फोन नहीं गिर जाए बस। पानी बहुत तेजी से बह रहा है ये देखिए। और ये है मेन गंगा जो कि सामने के लिए बह जाती है। यहाँ पर फाटक लगाए गए हैं। और ये हर की पौड़ी वाली गंगा जो कि यहाँ पर रोकी गई है, और फिर ये यहाँ से बहती हुई सीधा निकल जाती है उस साइड जहाँ पर हम नहाते हैं, हर की पौड़ी बोलते हैं। अब देखते हैं मेन गंगा के फाटक ऊपर से, यहाँ पर चल रहा है पेंट का काम सारा का सारा। तो यहाँ पर चल रहा है पेंट, ये है मेन गंगा, ये देखिए, जो कि बिजनौर के लिए निकल जाती है। काफी ज्यादा लंबाई लंबा पुल है ये देखिए, वहां तक एंड है इसका। जूम करके एक बार आपको दिखाता हूँ, जो हरिद्वार की बिल्कुल मेन गंगा वो है ये सीधा आपको जाएगी बिजनौर और उस साइड से निकलती हुई मुक्तेश्वर। और वो जो साइड से मैंने आपको पीछे दिखाया था, वो जो झूठ वो देखे पुल लाइटिंग हो रही है उसके ऊपर, वो जा रही है हर की पौड़ी जो कि गंग नहर के नाम से जानी जाती है, जानी की नहर जहाँ पे हमारा घर भी है वहाँ पे निकल जाती है वो। ये देखे व्यू, अभी पानी काफ़ी ज़्यादा कम आ रहा है पर फिर भी बहुत पानी है, नहाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लाइटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। पुल देखिए, ये रहा पुल, वेल डन। तो जी टाइम हो चुका है, 7 बज गए हैं और यहीं पे फिर से हमने पार्किंग कर दी। और ये देखिए लाइट की व्यवस्था बहुत ज्यादा काफी ज्यादा अच्छी हो रही है। और ये माइक में कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं इसलिए आवाज के लिए नहीं आ पाएगी, तो आपको थोड़े बहुत क्लिप डाल देंगे बस। लाइटिंग काफी ज्यादा जबरदस्त की गई है यहाँ पे। अब आपको आगे चल के मैं सारी लाइटिंग दिखाऊंगा हर की पौड़ी से, और फटाफट निकलते हैं क्योंकि आरती का टाइम निकल चुका है शायद। ये देखे पानी फिर से एकदम बढ़िया करके। सामने लाइटिंग एकदम जबरदस्त की हुई है यहाँ पे, ये देखिए। और अनाउंसमेंट बार बार हो रही है इसलिए आवाज भी क्लियर नहीं आ रही होगी। पानी एकदम नीला कंठ एकदम बढ़िया करके, ये देखिए व्यू भी बहुत जबरदस्त एकदम लग रहा है। शाम के टाइम हवा भी काफी चल रही है तो इसलिए ठंडक भी हो चुकी है। अभी नहाने का प्रोग्राम बनाया था पर अब कैंसिल कर दिया है। पर व्यू देखिए एक बार आपको जबरदस्त व्यू वहां से ही दिखाऊंगा जहाँ पे वो धनुष है, धनुष टाइप में लाइटिंग की गई है। जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए रात के 7:30 बजे का सीन, और कितनी ज्यादा लाइटिंग है, एकदम बढ़िया व्यवस्था है। ऊपर भी लाइटिंग लगाई हुई है कुंभ के मेले की वजह से। सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे,
काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा है, पर वो भीड़ नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब शाही स्नान वाले दिन देखते हैं कितनी भीड़ होती है, वो तो वीडियो आ जाएंगी है सामने का कुछ व्यू। बस धीरे धीरे अर्की पौड़ी के लिए निकल रहे हैं बस फटाफट। ये देखिए रात की वीडियो, लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, पानी देखिए कितनी तेज़ी से बह रहा है, और ये सामने का व्यू अर्की पौड़ी सामने वो घंटा घर आप देख ही सकते हैं, और ये पुल इस पर भी लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी की हुई है। वो मैंने सामने का पुल आपको दिखाई दिया था जब थोड़ी रोशनी थी, और अब देखिए रोशनी भी थोड़ी कम होती जा रही है, इसलिए लाइटिंग काफ़ी ज़बरदस्त की हुई है यहाँ पे। कुछ व्यू साइड का, और यहाँ पे आ रहे हो तो पूरा मन लगता है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा और ठंडा पानी एकदम, हर की पौड़ी एकदम सामने की तरफ। यहाँ सबसे ज़्यादा तो आकर्षित करता हुआ लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे। और ये कुछ व्यू ये है सामने का बिल्डिंग का, अभी शाम के 7:30 बज चुके हैं, सब गंगा मैया के जय लगा रहे हैं ये साधु जी। अब धीरे धीरे चल रहे हैं हम, ये देखे पुल के नीचे जो वो रहता है पिलर, उस पर भी लाइटिंग की हुई है, तो पानी का भाव बहुत ज़्यादा तेज़ है, और ये कुंभ की वजह से थोड़ा मंदा भी है, वरना इससे भी ज़्यादा तेज़ भाव रहता है, पर लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त, रात की तो ये सीन बहुत ज़बरदस्त लग रहा है एकदम। ये कुछ व्यू साइड का ज़बरदस्त यहाँ पे एकदम वाटरफॉल, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा तेज़ भाव है एकदम, और ये ऊपर लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट करती है अपनी तरफ।